हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी आज लेट नाइट यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर ले चलता हूँ। रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं इस कंपनी के। यदि मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ तो इसकी जो सेल्स है आप देख सकते हैं यहाँ से। यदि आप जून 2019 से ही चेक करें तो 843 की सेल्स, देन यदि आप इस समय चेक करें दिसंबर 2021 में तो आपको 1610 की यहाँ पे करोड़ में सेल्स मिलेगी। एंड सेल्स आपको लगातार इसकी ग्रो होने को दिखी है। 2020-2021 से यदि आप देखें तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज ही 300 करोड़ का जंप यहाँ पे दिख रहा है सेल्स में। यदि यदि ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर भी इसकी सेल्स यहाँ पे लगभग डबल हो चुकी हैं। एंड यदि बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख लीजिए 286 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। एंड देन लास्ट क्वार्टर में देखें तो 233 का प्रॉफिट, उसके पहले की यदि बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 136 करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया था दिसंबर 2020 में, देन इस समय 286 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी ने बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स पेश किए हैं। यदि मैं आपको सभी कुछ बता दूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, जो इसका लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे नेगेटिव था, वो इस समय यहाँ पे 42 करोड़ का पॉजिटिव आ चुका है। तो कंपनी के एकदम बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है। अभी तक कंपनी यहाँ पे लॉसेस में चलती थी, देन इस समय कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में आई है। एंड देन बात करें एक और समय में यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में थी। ओके, एंड ये जो बात हो रही है यहाँ पे जून 2020 की बात हो रही है, मैं एक बार चेक, हाँ सितंबर 2020 की बात हो रही है। एंड यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में थी, देन कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे लॉस उठाना पड़ा था, देन कंपनी एकदम अभी फिर इस क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट में आई है। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस में भी जबरदस्त उछाल है। एंड जो नेगेटिव में ईपीएस चलता था, इस समय ईपीएस पॉजिटिव में हो गया है। तो कंपनी के रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे आए हैं एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स सुजलॉन एनर्जी ने दिए हैं। एक और चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, यदि आप नीचे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन यहाँ पे 1 फरवरी को एक और अनएक्सपेक्टेड खबर आ सकती है एक सेक्टर के लिए, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यदि मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज बता दूँ कितना उछाल आया है। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, एंड मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 की यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, एंड यहाँ पे सितंबर 2021 की, एंड यहाँ पे दिसंबर 2020, तो तीनों की यहाँ पे कंपेयर आराम से हो जाएगी। एंड आप समझ लेंगे कि कितना क्या कैसा हुआ है। सितंबर 2021 में यहाँ पे 1356 की सेल्स थी, करोड़ में बात हो रही है। एंड यहाँ पे यदि बात करें तो 955 करोड़ की सेल्स थी, देन इस समय यदि आप बोलें तो यहाँ पे 1610 करोड़ की सेल्स है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 69% का यहाँ पे जंप देखा गया है सेल्स में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 286 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके पहले सितंबर 2021 में 233 का, एंड उसके पहले 136 का। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको डबल से भी ऊपर देखने को मिलेगा, 100% से ऊपर की ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यदि बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें आप बात कर रहे हैं, यदि नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल है। जो इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में चलता था, देन इस समय 38 करोड़ पॉजिटिव में आया है। ईपीएस में 129% का उछाल देखा गया है सुजलॉन एनर्जी में। तो रिजल्ट्स तो एकदम यहाँ पे रॉकेट रिजल्ट्स इसने पेश किए इस कंपनी ने। प्राइस इसका 11 होने वाला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,363 करोड़ की आपकी कंपनी होने वाली है। आपको तो पता ही है किस सेक्टर में वर्क करती है, ये जो वर्क करती है ये करती है यहाँ पर वाइंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। एंड यहाँ पे यदि इसका देखें तो यहाँ पे टरबाइन जनरेटर, ये सब इसका मतलब कुल मिला के ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एंड यदि बात करें इसके आरओसी की तो एक ठीक ठाक आरओसी के साथ आपको अवेलेबल है, बट इसकी बुक वैल्यू थोड़ी कम होने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी इस शेयर में ज़रूर बनती है। बकाया सेक्टर अच्छा है, शेयर भी इस समय प्रॉफिट में पहुँच गया है, तो अब अच्छा ही बोलेंगे इसे। 15 डेज 200 डेज ईएमए से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, ये यहाँ पे 15 डेज है, 200 डेज से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, तो अच्छे खासे यहाँ पे बुलिश मोड में तो है ही। एंड यदि प्रॉन्स की बात करें तो ये रिड्यूस डेप्थ, बिल्कुल डेप्थ इसका बहुत कम है। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स ये हमेशा अच्छे देती रही है। एंड इस समय भी इसने बढ़िया रिजल्ट पेश किए। आपको रिजल्ट कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।